तो आज मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। জীবন ছিল নদীর মতো গতিহারা দিশাহারা ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি রয়ে গেছি তারা ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি রয়ে গেছি তারা आज मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी श्रीरामपुर। तो ये आज पहली बार है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, लेकिन इस कॉलेज में मेरे कुछ भैयाओं के साथ बात हुआ तो जा रहा हूँ वहाँ पे। और इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया, उसका कैंपस कैसे जाना है और प्लस हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज और कैसा है कॉलेज, कॉलेज का सीट मैट्रिक सब कुछ है और प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ बताया। तो एंड तक देखना, मज़ा आएगा। चलो कहते हैं सबसे बेहतरीन व्यक्ति होता है वो जो अपने दिल को किसी एक स्त्री के लिए पाबंद रखता है, क्योंकि उसे संसार में भटकना नहीं बल्कि सिर्फ उस एक को संभालना पसंद होता है। तो अभी मैं श्रीरामपुर पहुंच गया हूँ, अभी यहाँ से किसी टोटो या फिर ऑटो पकड़ के चले जाएंगे कॉलेज में, टेक्सटाइल कॉलेज में। और आने का जो रूट है, आप हावड़ा से ट्रेन पकड़ सकते हो या फिर बैंडे से ट्रेन पकड़ सकते हो, वहाँ पे ट्रेन आते जाते रहते हैं, ठीक है, अनाउंस होते रहता है। तो अभी जाएंगे टेक्सटाइल या फिर उतर के किसी भी टोटो या फिर ऑटो को बोलोगे तो ले जाएगा, ठीक है। तो अभी सर ऐसे जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आ गया हूँ श्रीरामपुर कॉलेज के सामने, यहाँ से थोड़ी दूर कॉलेज है और भाई इस साइड गंगा है एकदम, तो समझ सकते हो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आएगा, साइड में नदी और हवा भी बहुत अच्छा आता है। श्रीरामपुर में अगर आप तुम आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल वाइब्स आएगा, बिकॉज इसका खुद का ही जो हिस्ट्री वो बहुत बड़ा है और यहाँ पे सब कुछ इसके लिए, इसका स्कूल कॉलेज बहुत ज़्यादा पुराना है। अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज टेक्सटाइल कॉलेज की, दैट इज़ ये इस्टेब्लिश इन 1908, ठीक है जी, 1908। भाई अभी पहुँचे तो दोस्त के साथ मिल गया अमन, तो सीरियसली मैं ये नहीं होता तो आज शायद वीडियो नहीं हो पाता, सुमन ने मुझे नंबर दिया था। थैंक यू सो मच। हाँ तो आप कौन सा कॉलेज, इस कॉलेज में कौन सी जाना पड़ता हूँ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेकेंड ईयर। तो अभी कट ऑफ्स के बारे में बता देंगे आपको कि कितना कट ऑफ गया है इस कॉलेज में। द पॉइंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में अगर इसी का बात करूँ, जनरल स्टार्ट करते हैं, जनरल दैट इज 37,567 एंड एस सी 93,966, OBC A 77,345, OBC B 49,782 एंड TFW दैट इज 4,965। ओके, तो TFW का रैंक थोड़ा कम है। तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो ऐसा है, अगर आप नियर अबाउट क्या बोलो 4 या फिर 5 भी अगर मार्क्स ले लेते हो WBJ में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस ब्रांच। ओके, नाउ कम टू IT में जनरल है 12,207 एंड SC 19,925, ST दैट इज 76,809 एंड OBC B दैट इज 20,945, दैट इज कट ऑफ। और बाकी OBC B और TFW ये मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो और कट ऑफ अगर बाकी देखना चाहते हो तो मैं दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नाउ CSC फॉर जनरल दैट इज 5,987 एंड SC के लिए 17,838 और OBC A दैट इज 20,656 और जो ST है, ST अराउंड इस साल जो है 52,000 के करीब गया है, ठीक है, एस्टिमेटेड। ये परफेक्ट मुझे लगा, इस साल नहीं मिला मुझे, WBJ का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर भी नहीं मिला, ठीक है। और एप्पल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में अगर जनरल की बात करूँ तो जनरल के लिए 60,336 एंड OBC B दैट इज 72,958 एंड SC के लिए 87,929, ठीक है।
और ओबीसी भी, ये भी एस्टिमेट है 30,000 के अराउंड, ये भी मुझे नहीं मिला और एसटी भी नहीं मिला। तो एसटी एफएन प्रोडक्शन के लिए आप जो भी रैंक हो आप मिल जाएगा, दैट मीन्स अगर आप डब्ल्यूजेई में 5 या फिर 3 स्कोर करते हो तो फिर भी आप एलिजिबल हो उस कॉलेज में। ठीक है, बाकी कॉलेज के बारे में और मैं यहाँ के भैया के साथ बात करने के बाद आपको बताऊंगा। के साथ एमटेक भी होता है, एमटेक में 2 ब्रांचेस है, दैट इज फर्स्ट इज मैकेनिकल प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड सेकंड इज केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल, ये 2 है। ठीक है, तो अभी कॉलेज के 2 भैया मेरे साथ है, एक उष्णांशु और एक अनिश विशेष भैया। तो अभी इनके साथ हम कॉलेज टूर करेंगे और बोलेंगे कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा है और कॉलेज के बारे में और कुछ बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। সিএসি বিল্ডিং, এখানে অল ইয়ারেরই ক্লাস হয়, ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসটা তো এখানে হয় না, সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস এখানে হয়, ল্যাবগুলো এখানেই হয় সিএসি। আর এদিকে এই যে এটা হচ্ছে কলেজের সবথেকে ওল্ডেস্ট বিল্ডিং, এটা 1908 যখন কলেজটা বিল্ড হয়েছিল তখন থেকে এই বিল্ডিংটা আছে। তো এটা হচ্ছে জেনারেল সায়েন্সের জন্য, এখানে এইটা পুরোটা হচ্ছে টেক্সটাইল বিল্ডিং, ওকে টেক্সটাইল এন্ড টেকনোলজি। আর অ্যাপ্রন প্রোডাকশন যেটা আছে ওটা এখানে বিল্ডিং लाइब्रेरी में नियर अबाउट 30,000 के अराउंड बुक्स है। ठीक है, और दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड बाय मैकाउट, एफिलिएटेड बाय मैकाउट एंड अप्रूव्ड बाय AICTE, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एडुकेशन। ठीक है, হোস্টেল একদিকে কাজ আমাদের শুরু হয়ে গেছে, মানে শেষ হয়ে গেছে, আরেকদিকে কাজ চলছে। আর এদিকটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কশপ, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ। আর হোস্টেল জাস্ট ফর মানে বয়েজ হোস্টেল আছে, গার্লস হোস্টেল নেই? বয়েজ হোস্টেল অনলি। ওকে, আর দিস সাইড অর ইস সাইড ক্যান্টিন, কলেজ ক্যান্টিন উস সাইড সে, অর আইটি কা ক্লাস দিস ওয়ার্কশপ। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैंने 2023 में जो एस्टैब्लिश हुआ है नया कॉलेज अलीपुरद्वार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज, उसके बारे में सब कुछ बताया, उसका कैंपस और प्लस कैसे जाना है सब कुछ। तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो, मैं एंड स्क्रीन में भी ऐड कर दूंगा और प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, तो आप देख सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में अभी यहाँ में, यहाँ के 2 सीनियर भैया है हमारे साथ, सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूछेंगे कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, कैसा है फीस स्ट्रक्चर आईटी के लिए? पर सेमेस्टर कितना है? पर सेमेस्टर है 12,000 और फर्स्ट सेमेस्टर में 12,500। बस सीएससी का बात करते हैं, सीएससी का फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सीएससी का फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर 8,500 আর এমনি সিএসসি এর ওভারঅল ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ স্যারটা খুবই ভালো হেল্পফুল। আর অ্যাভারেজ প্যাকেজ কেসা যেতা হয় তুমি আই সিএসসি আর আইডি কা স্টার্টিং মে ওয়েসা 5 4 to 5। আমার সাথে সুমন পাল ভাইয়া ফ্রম টেক্সটাইল টেকনোলজি, তো আবি ইনকে সাথ হাম ইন্টারভিউ লেঙ্গে। তো ফার্স্ট অফ অল ভাইয়া, টেক্সটাইল টেকনোলজি মে প্লেসমেন্ট হতা হয়? টেক্সটাইল টেকনোলজি মে ইধার 100% প্লেসমেন্ট হতা হয়, ঠিক হ্যায়, अच्छे से अच्छे कंपनी आते हैं। अब इस साल मतलब 23 साल में जो पास आउट हुआ है उसमें ट्राइडेंट था हाईएस्ट पैकेज, था 18 लाख का पैकेज था, 18.5। ठीक है, मेजरली कौन कौन से कंपनियाँ आते हैं बेसिकली? अच्छा, मेजरली आते हैं इधर करते हैं ट्राइडेंट आते हैं, ठीक है, इंदोकेम आते हैं, दौनियर आते हैं, वर्धमान टेक्सटाइल आते हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पे मतलब कुछ पार्टी वार्टी चलता है बहुत, जैसे कुछ कुछ कॉलेज में पार्टी आता है, मतलब तीन मुल्कों से, ऐसे जादवपुर में जैसा हुआ पॉलिटिकल पार्टी? नो, देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी। एंड अबाउट रैगिंग के लिए, सब सभी फैमिली ऐसे डरे हुए थे रैगिंग होता है कि, जैसे जादवपुर में हुआ रिसेंट, तो ऐसा कुछ ऐसे ऐसे तो इधर कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारा जो सीनियर्स है, मतलब हम जब जूनियर थे तब भी सीनियर्स लोग बहुत कोऑपरेट करते थे, और अभी भी मतलब बहुत ही हम लोग
सीनियर है, सुपर सीनियर है, लेकिन हम लोग को भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हमसे हेल्प करने। रैगिंग तो इधर नहीं होता, एकदम ही नहीं, एकदम ठीक है। देखो रैगिंग यहाँ पे नहीं होता, थोड़ा बहुत भैया लोग आपको थोड़ा बहुत डांटेंगे, बिकॉज आप अगर आप फैमिली से दूर हो तो फिर आपको मतलब देखने के लिए सिर्फ भैया लोग ही रहते, तो दे आर द टॉप, तो उनके बातें आपको मानना पड़ेंगे, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप आए जहाँ भी जा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो क्या बोलते हैं अनुशासन, या फिर शासन के लिए कोई तो चाहिए जो आपका देखभाल करे, तो दैट इज़ दैट सीनियर, ठीक है। तो आपको सीनियरों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनका बात सुनना चाहिए। जैसे मैं भी जूनियर हूँ तो मैं सीनियर को बात सुनता हूँ, बिकॉज वही एट द एंड ऑफ द डे वो आपको हेल्प करेंगे आपके प्लेसमेंट के लिए। आप जो बोला ना डांटना नहीं, समझाना सिर्फ। क्या है ना, हमें लगता है हमारा कॉलेज का कल्चर ही ऐसा है कि हम लोग डांटने से ज़्यादा समझाने में मतलब रखते हैं, ठीक है। हम लोग समझाते हैं अगर गलती, देखो हम भी जूनियर थे, ठीक है, हम अब सीनियर बने, तो हेल्प करना करने से ही फ़ायदा है, ठीक है। तो समझाने से बहुत मतलब होता है, कुछ सीखता है। अगर डांटोगे आज डांटोगे कल बिगड़ जाता है। जैसे फाइनल ईयर की दीदी सिंजनी दी हमारे साथ है, तो अभी इनके साथ इंटरव्यू लेंगे। तो दीदी जो हाईएस्ट पैकेज की बात है, मतलब इस साल जो गया वो हाईएस्ट पैकेज कितना गया? 18 लाख। और वुमेन से कितना गया, मतलब मेल वुमेन दोनों की सेम? मतलब ट्राइडेंट जो आया था वो हाईएस्ट पैकेज था, तो दो लड़की दो लड़का 50-50 रेशियो था, तो गर्ल स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत कम कंपनी आता है जो सिर्फ लड़कों को ही चांस देता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि गर्ल स्टूडेंट को नहीं जा सकता। अगर गर्ल स्टूडेंट कर सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ज़रूर कर सकता है। हाईएस्ट पैकेज गया था, दैट इज फ्रॉम टेक्सटाइल। क्या टेक्सटाइल के बारे में ही मालूम है, टेक्सटाइल में ही हाईएस्ट पैकेज गया था। एंड यहाँ पे मतलब जो जूनियर आते हैं लड़कियाँ, मतलब वुमेन जूनियर्स, तो उनके साथ कैसा ट्रीट, मतलब रैगिंग जो होता है जादवपुर में भी सुना होगा, तो यहाँ पे उनको कैसे ट्रीट? उनके साथ रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होता, जस्ट नाम वगैरह पूछा जाता है। भैया ने बोला दिस इज एक्चुअली रैगिंग फ्री कैंपस, और दीदी जूनियरों के लिए कुछ मतलब उनको कुछ देना है, मतलब आओ ऐसा कुछ? हाँ ज़रूर, इस कॉलेज में आओ, मस्ती करो भाई, रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होता, तुम अपनी तरीके से जियो। अटेंडेंस रेशियो 75% मैंडेटरी है, मतलब उससे ज़्यादा कम होगा तो दिक्कत होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं बैठने देता, लेकिन मतलब स्ट्रिक्टनेस है। অ্যাটেন্ডেন্সের কড়াকড়ির থেকে বড় ব্যাপার আমাদের যে ডিপার্টমেন্টে টেক্সটাইল টেকনোলজি মাত্র দুটো কলেজে, শ্রীরামপুর আর বহরমপুর, তো কেউ যদি রেগুলার ক্লাস না করে তার নিজেরই ফিউচারে এক্সাম দিতে বা প্লেসমেন্টে প্রবলেম, কারণ এখানকার সেরকম নোটস বাগেরা বাইরে বই টই সেরকম একদমই পাওয়া যায় না, তাই কলেজে ক্লাস করাটা তার নিজের জন্যই খুব জরুরি। কারণ সিএসি বিএসি অনেক জায়গায় আছে, বাট টেক্সটাইলটা অন্য কোথাও সেরকম নেই, বেশি করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথাও নেই, বাইরে স্টেটে হয়তো তাও দেখা যায়, এই জন্য ক্লাস করাটা তার জন্য তো মাস্ট নিজের জন্য। सो दिस इज़ द कैंटीन, और कैंटीन बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली बोलूँ दीदी और भैया लोग बहुत अच्छे हैं, भैया ने मुझे थम्स अप दिया, और ये दीदी, दीदी हाय बोल दो थोड़ा, मेरे काम कर रही है। पर्सनली स्पीकिंग भाई, इस कॉलेज के जो सीनियर लोग हैं इतना अच्छा है भाई, मतलब मुझे खिलाए पिलाए, इतना अच्छा बिहेवियर, सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है सीनियर भाई मेरे लोग। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट सुमन पाल भैया, उसके बाद तन्मय भैया और समृद्ध भैया, ये लोग बहुत ही अच्छे, ठीक है। और बाकी सीनियर लोग दीदी लोग भी बहुत अच्छे हैं, अगर कोई बहन या फिर कोई भाई देख रहे हो तो फिर यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे रैगिंग का कोई बात नहीं, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दिया। नाउ दिस इज़ अप टू यू कि आपको आना कि नहीं आना, और इस साइड गंगा है भाई, मतलब नदी है, देख लो, ठीक है, सीन भी बहुत अच्छे हैं। तो ज़िंदगी जीते रहिए, सिर्फ काटिएगा मत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा, वंदे मातरम।